तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मुझे कोई वहाँ से इलेक्शन नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। मेरा वर्क है सिर्फ बाबा साहब ने जो हमें बताया है, जो हमें पढ़ाया है। आज मैं एजुकेशन डबल ग्रेजुएट हूँ, मुझे जो चीज बाबा साहब ने दिखाई है उसी की वही चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। आपने ये जो बॉक्स रखे, तो ये बॉक्स किस लिए रखे? क्या क्या चंदा मांग के आप क्या करेंगे इसके अंदर? हम ये चंदा मांग के मुख्यमंत्री साहब के खाते में भेजने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी को ये पैसा भेजने वाले आप? हाँ, पैसा भेजने वाले। किस लिए भेजने वाले पैसा? हम इसलिए भेजने वाले हैं कि हमारे आशा वर्कर के तरफ से भेज रहे हैं और लोगों के तरफ से, क्योंकि तो आगे की रणनीति तो आपकी अभी दिन ब दिन बहुत जोर पकड़ रही है। जैसे कि अभी इरशाद शेख जी ने जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है इरशाद शेख जी, और इन्होंने बताया कि अभी पालक मंत्री जी के पास में जो आपको लेके जाने वाले हैं, आपकी मांग को पूरी रखने वाले हैं, तो अभी आपका ये आगे दूसरा कदम क्या होने वाला है इसके बारे में? हमारा दूसरा कदम ये होने वाला है कि हम पालक मंत्री जी का घेराव करने वाले हैं उनके घर में। दूसरी संगठन पालक मंत्री जी, जैसे कि आप जानते हैं कि इरशाद शेख ऐसा जाना माना चेहरा है, नहीं ये उत्तर नागपुर ही नहीं पूरे नागपुर में इरशाद शेख जी के चर्चे है, और ये अपने पॉपुलरिटी पाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। ये किसी भी धर्म का इंसान हो और कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, ये सबके लिए ये इंसान आगे आते हैं। तो अभी आपके इस कार्य के अंदर भी इन्होंने इतना बड़ा आश्वासन दिया और इतना बड़ा कदम उठाया कि अगर से अंदर जाना पड़े तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, अगर कोई कलम लगाना पड़े तो सबसे पहले मैं अपने ऊपर कलम लगाऊंगा। तो आप ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे जो नौजवान कार्यकर्ता है जो बिना स्वार्थ के किसी नागपुर के किसी भी एरिया में जाके अपना कार्य करते हैं, तो आप ऐसे इंसान के बारे में क्या बोलना चाहेंगे मैडम? मैं तो इरशाद भाई को बहुत दिनों से जानती हूँ और निस्वार्थ काम करते हैं, इसलिए मुझे लगा कि इनको बुलाना चाहिए। इनको बुलाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उनका देखो बर्थडे है, आज उनका बर्थडे छोड़ के वो यहाँ पर आए हैं। मैंने उनसे कहा है कि भाई ऐसे ऐसे आशा कर्मचारियों की बहुत बुरी हालत है और उनकी परिस्थिति बहुत खराब है, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, बाकी आज तक कोई इनको मतलब देखने के लिए नहीं आ रहा, कोई मिलने के लिए नहीं आ रहा, बाकी उनका बर्थडे होते हुए भी आज सारा अपना बर्थडे की खुशियाँ छोड़ के आप लोगों के लिए हक के लिए यहाँ पर खड़े हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इरशाद शेख जी को, क्या बोलना चाहेंगे आप? हम भैया का बहुत शुक्रिया करने वाले हैं सभी आशा बहने, और उन्होंने कहा है कि हम नितिन राउत के घर में जाके कि घेराव डालेंगे सब आशा को लेकर, तो हम उनके साथ में जाएंगे। हमारी कोई ये इतनी बड़ी मांग है, उनमें से हमारी छोटी बड़ी जो मांग वो भैया की तरफ से पूरी होगी। हमें ऐसा लगता है कि हम भैया के साथ में जाके नितिन राउत से बातचीत करेंगे। यानी आपको इतना इरशाद शेख पर भरोसा है कि आपकी पूरी मांग इरशाद शेख ही पूरी कर सकते हैं? हाँ सर। अभी तक आप इतने दिन हो गए यहाँ धरने पर बैठे, कौन कौन नेता है यहाँ पर, किस पार्टी के नेता है यहाँ पर? नितिन राउत के घर में गए थे मेरी आशा बहने, उन्होंने बातचीत नहीं की, सिर्फ निवेदन ले लिया और उनको भगा दिया घर से, और वो बोल रहे थे कि तुमको तो 2000 रुपए मिलता है, उनको थोड़ी मालूम है कि 6-6 महीने मानदन नहीं मिलता आशा बहनों को। मेरी आशा बहने 6-6 महीने से अपने बच्चों को कैसा पालती होंगी उनका ही मालूम है, क्योंकि जो आशा बहने कोरोना केस में पॉजिटिव हो गई थी उनके मिस्टर की डेथ हो गई है, ऐसे 2-3 आशा वर्कर है, और हमारी 2-3 आशा वर्कर कोरोना केस में गुजर गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। नितिन राउत होने की वजह से हमारी आशा बहने के फैमिली को कुछ मदद करना चाहिए, वो भी नहीं की ना, वो हमारे निवेदन लेने के बावजूद भी हमको मिलने नहीं आए, कैसा ये पालक मंत्री है? और हम आज जो आंदोलन कर रहे हैं ये संविधान चौक में, ये भीख मांगो आंदोलन कर रहे हैं, नितिन राउत के घर में भेजेंगे, पालक मंत्री है वो खुद भी भिखारी है, हम तो भिखारी नहीं लेकिन हम भीख मांग के उसके घर में देंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो किसी को बोलना नहीं चाहिए मैडम, एक समना इसमें पद पे बैठे हैं, हम तो किसी के पास गए नहीं है, सबसे हम भीख मांग के क्यों किसी को, भीख मांग के हम तो गए नहीं ना अभी किसी के पास। अभी जब तक हम कोई नेता के पास नहीं जाएंगे और उसको अपनी तकलीफें नहीं बताएंगे, तभी तो वो बताने के बाद हमारे लिए आवाज उठाएंगे, तो इस वजह से अभी हम किसी नेता को बोल ही नहीं सकते। नहीं लेकिन सरकार के पास बिल्कुल हम सीएम को देंगे सरकार के पास देने पैसे
आज घर का किराया देखे गरीब इंसान तो 3,500-4,000 किराया घर का, तो 2,000 में क्या देंगे? जो मानना सुबह से आप, आपका सुबह से भीख मांगना चालू है, पहले ये नौबत आ गई कि भीख मांग के परिवार चलाना पड़ेगा आप लोगों को। आप ये सीएम साहब को देंगे, मजबूरी में काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा पेमेंट ही नहीं आ रहा। 2-3 आपके धरने को लगभग यहाँ पर 8 दिन के ऊपर हो गया है, बाकी 8 दिन में यहाँ सुने आ रहा है कि आज तक कोई राजनीतिक पार्टी का कोई नेता आपको मिलने के लिए नहीं आया। तो यहाँ पर जो इरशाद शेख जी, आज इनका बर्थडे है और आज अपना बर्थडे छोड़ के आप लोगों के जो बीच में आए हैं यहाँ पर, तो आप ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जरा एक बार जोर से बोलिए कि इरशाद शेख पे आपको भरोसा है जो आपकी मांगों को पूरी कराएंगे करके। तो ये है कांग्रेस के युवा नेता इरशाद शेख जी भाई, ठीक है।